चलो फोन कर देते हैं। कहाँ तक क्लियर हुआ था? रेडियस वगैरह का बता रहे थे। चलो क्वेश्चन को चार्ट बनाए थे सर, सारी और टाइम सात केबल एलसीसी से टाइम टेबल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? था पैकेट फ्रैक्शन की पढ़ाई दिए थे डेंसिटी, यहाँ पर ध्यान देना डेंसिटी मास ऑफ यूनिट से वॉल्यूम ऑफ यूनिट से मास ऑफ यूनिट से एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे है कि नहीं। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू मास ऑफ यूनिट से मास ऑफ मास इक्विवेलेंट पार्टिकल। मास ऑफ क्या हो जाएगा? मास इक्विवेलेंट पार्टिकल। तो एक एटम का मास कितना होगा? CaW या AW का मास अपान एम जे, ये एक एटम का मास है। और एटम होते कितना? जे एटम होते कितना?
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपको पता है पहला एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस माइनस 10 10 सेंटीमीटर मीटर।
मित्र हैं है, तो वहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है, वहां पर आप देखो
ऐसे गेस करो जैसे इतने में केक कमेंट पर बात नहीं करना है, ऐसे गेस करो कि सत्ताईस है और ये क्या है 20, कितना है 20, तो 27 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एक से ज़्यादा है कि कम, एक से ज़्यादा है कि ज़्यादा है ना, तो एक से ज़्यादा वाली वैल्यू से अगर 2.97 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू बढ़ के आएगी, बढ़ के आएगी तो 2.97 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और किसके आसपास पहुँचेगी, चार के, और जेड की वैल्यू हम लोग पढ़े कितना, एक दो और चार, इसके आसपास पहुँच रहे चार के ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बस आगे पूरा बाकी करना, एक से
आप घर पे देख सकते हो, मार्केट में भी मिलता है ऐसा पैकिंग।
इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। आप घर पे जाएं गोल गोल टाइप के फल मिलते हैं, उनको आगे पीछे रखते हैं ऐसे टुकड़ों से ऐसे रखते जाएँ, फिर इधर वर्टिकल ऐसे रखते जाएँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखते जाएँ, जो बनेगा उसको आप क्या कहेंगे स्क्वायर ग्रोथ पैटर्न। जब आप ऐसे लगाएंगे तब वो स्क्वायर ग्रोथ पैटर्न बनेगा, और ऐसे पटक देंगे तब वो हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, तो स्क्वायर कह रहा है देखो बेटा, एक एटम मान लें ए, यहाँ पर नंबर ए नंबर दो कितने को टच कर रहा है, तीन ए चार, तो चार को टच कर रहा है, चारों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए क्या करते हैं स्क्वायर ग्रोथ पैटर्न। यहाँ पर हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न क्या होता है बेटा, इधर देखो एक एटम छः एटम को बंद करता है, ये बहुत अच्छा बोर्ड पे बंद नहीं पाएगा, किसी एक एटम को सिलेक्ट कर लो। देखो एक एटम ले लिया, ये एक दो तीन चार पाँच छः इन छः को बंद करता है, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो ये जो आपने लिखा है ये टू डायमेंशनल है, क्या है, और ये भी टू डायमेंशनल, ध्यान देना इन थ्री डी स्टेबल, इन थ्री डी नॉट स्टेबल, थ्री डी नॉट स्टेबल, इसका थ्री डी स्टेबल नहीं होता, ध्यान देना बेटा। आप घर पे देख सकते हैं कांच की गोलियां, तो आपको देखें या नहीं देखें, देखें ये लोग जैसे लग रहा है वो कुछ उर्दू में बोल रहे हैं, देखे हैं, तो कांच की गोलियां ले लें, अच्छा एक गोली के ऊपर दूसरी रुकेगी, तीसरी दूसरी नहीं रुकेगी, तीसरी कैसे रुकेगी, तो ये बन नहीं पाएगा, ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। और ध्यान दो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेव को होगा ऐसे ले लें, बन गया ना, अब इसके ऊपर इसके ऊपर तो नहीं रुकेगा, इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो मतलब इसको इस स्पेस को हम लोग वायर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं वायर्ड। फल वगैरह देखें जो मार्केट में ठेले पर बिक रहे हैं स्पेशली सेब वगैरह, तो इसी रूप में सजाए जाते हैं, तो जब वो घर से निकलते हैं तो थ्री डी लेके निकलते हैं, और लौटते समय टू डी लेके लौटते हैं, लौटते समय टू डी लेके लौटते हैं, ठीक है। जब सारे फल बिक गए हों और केवल एकदम ठेले की सतह पर बचा हुआ हो तो वो टू डी रहता है, और जब लोग घर से चलते हो बेचने तब किस रूप में रहता है, थ्री डी, ऐसे देखे ऊपर ऐसे होता रहता है ना, तो थ्री डी होता है। तो यहाँ पर ये थ्री डी इसका स्टेबल है और इसका थ्री डी स्टेबल नहीं है, तो जब स्टेबल है ही नहीं तो फिर चर्चा क्या करना, जो स्टेबल है उस पर चर्चा किया था, मिटाए इसको। ये जो हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न है ये थ्री डी में कितना होता, ये थ्री डी में हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न, हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न में थ्री डी में यहाँ पर ये दो डायग्राम, फिर ये सी पी कहेंगे वही हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न, हेक्सागोनल ग्रोथ पैटर्न, और दूसरा कहेंगे सी सी पी आर एफ सी सी, क्या कहेंगे बेटा, एफ सी पी या सी सी पी, डायग्राम को बन नहीं पाएगा फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बस तो नहीं पाएगा क्योंकि ये बोर्ड बहुत स्लिपरी है और ये जो गोले बन रहे हैं वो इक्वल साइज के बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि देखो
समझिएगा, ये यहाँ पर y एक को हम लोग t कहेंगे, क्या कहेंगे y t, और दूसरे को कहेंगे b, a b ऐसे चलता रहेगा। ये y a हो गया, ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, b b के ऊपर a आएगा और a के ऊपर क्या आएगा b, यहाँ पर a है तो यहाँ पर डिस्टेंस से b होगा, यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या होगा a। ये सतह पर रख दिया गया, जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया ऐसे देखो ऐसे रख दिया गया। अब दूसरा जो रखने चल रहे हैं सुनो ना, वो इस y के ऊपर रखने चल रहा है, y के ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये y ध्यान से देखिएगा, ये y a है, अगर आप ध्यान दे रहे हो ये वाइट है, अलग बन बहुत बढ़िया गया लेकिन दिखेगा नहीं आपको, चूंकि पहले एक ही जैसे है। क्या पर देखा ये देखो, ये यहाँ पर एक वाइट पॉइंट में दिख रहा है जहाँ पर मेरी फिंगर है, देखो ये वहाँ वाइट दिख रहा है और उसके जस्ट नीचे एक कंप्लीट एटम है, उसके जस्ट नीचे क्या है कंप्लीट एटम है, ये वाइट सी बोल दे रहे हैं इसको, यहाँ पर चलते इसको क्या बोल रहे हैं वाइट सी, और ये वाइट बी के ऊपर भी एक वाइट बना है जिसको डी बोलेंगे जो दिख नहीं पाएगा। यहाँ पर कितनी लेयर रखे जा चुके हैं, दो, एक लेयर और ये दूसरी लेयर। अब अगर तीसरी लेयर रखें और तीसरी लेयर में हम लोग जो आइटम रखेंगे वो सी के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे मतलब ये वाइट सी के ऊपर, तो वाइट सी के ऊपर रखेंगे ये आइटम दिखेगा भाई, सी को ढक रहे हैं फिर पीछे आइटम जो था बंद हो, दिखना बंद हो गया ना, तो इसका मतलब ध्यान रखना ये पहली लेयर है, देखो ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और जब सी के ऊपर रखा जाएगा ये तीसरी लेयर जो होगी इसी के ऊपर आएगी, मतलब जो तीसरी लेयर है वो पहली लेयर के ऊपर आएगी, बात सुनो ना। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो इस तरह के पैकिंग को एचसीपी कहेंगे, और अगर चौथी लेयर आ रही है तब अरेंजमेंट को सीसीपी कहेंगे। तो यहाँ पर थर्ड लेयर सिर्फ
बना लो फिर आगे चर्चा करते हैं जल्दी करो। ये अरेंजमेंट और आप पूछते हैं और समझिएगा आप ऐसे जब
पे तीसरी लेयर रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो तीसरी लेयर इसी के ऊपर तो आएगी। यहाँ से देखो तीसरी लेयर इसी के ऊपर आएगी। यस सर। तो इस आइटम के पीछे कितने आइटम हैं? तीन। और उसके आगे कितने होंगे? आगे भी तीन होंगे। तो ये जो आइटम ये दिख रहा है इसके पीछे तीन आइटम, तो तीन पीछे वाले और खुद मिलके चार हो गए, तो एक टेट्राहेड्रल वायर बना लिए। खुद ये और आगे वाले तीन के साथ फिर तो एक वायर बनाया भाई, ये खुद और इसके आगे वाले तीन, तो कितना बना लिया? दो टेट्राहेड्रल वायर बन गए। तो ये एक ये आइटम कितने वायर के साथ शामिल है? दो टेट्राहेड्रल के साथ शामिल है, मतलब खुद प्लस तीन पीछे, एक टेट्राहेड्रल वायर खुद प्लस तीन आगे, दो टेट्राहेड्रल वायर। तो प्रत्येक आइटम के लिए कितने टेट्राहेड्रल वायर होंगे? दो। कितने टेट्राहेड्रल वायर होंगे? दो। और आपका आइटम ऐसे समझ नहीं पाओगे बोर्ड पे, आपका आइटम याद कर लेना। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ध्यान देना, लिख देना नोट करके, टेबल क्लोज कर दो। देर आर टू टेट्राहेड्रल, देर आर टू टेट्राहेड्रल, देर आर टू टेट्राहेड्रल एंड वन ऑक्टाहेड्रल वायर इन फॉर ईच आइटम। Thank you.
EFCC यूनिट सेल। EFCC यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? जेड की वैल्यू कितनी होती है? चार। तो जेड की वैल्यू चार, तो टेट्रा आठ बार FCC जेड इक्वल टू फोर, सो आपका फोर टेट्रा बोलो फोर इंटू टू दैट इज एट। ठीक भैया, तो FCC यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितना होती है? चार। चार का मतलब जेड की मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? चार। और एक एटम के दो टेट्रा होता है, चार होने आठ, और एक आपका होता है तो चार ही हो जाएगा। इसको बता दें, अब देखो जो क्वेश्चन आपको कराने के लिए कह रहे हैं, मिटाना है इसको। चलो एटम एक्स क्रिस्टलाइजेस इन BCC सारी इन CP स्ट्रक्चर या CCP स्ट्रक्चर। इट्स 50% आपका है करवाए ऑक्यूपाइड बाय एटम वाई। Find formula of compound. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का और बहुत सरल है। नीचे लाइन में क्या है? देखो टर्म पहले आप लोग थोड़ा परेशान होते हो, हम कह रहे हैं सरल है लेकिन आपके दिमाग पे थोड़ा सा परेशानी आती है। ध्यान दोगे एकदम कठिन नहीं। देखो जिस आइटम को कहा गया CCP में है या HCP में है उसको आप अपने मन से जो भी संख्या मानना हो मान लो। कौन सा आइटम है CCP में? क्वेश्चन में कौन सा आइटम CCP में दिख रहा है? आइटम X। तो X की संख्या हमने मान लिया N। कितना मान लिया? N मान लिया। अब किस वायर्ड का नाम लिया है? तो आपको मालूम है कि जितने एटम होंगे उतना आपका एटम वाइड होगा। अगर टेट्रा कहा जाता तो उसका दो गुना, तो एटम कितने हैं? तो आपका एटम वाइड कितना हो जाएगा? तो अब आप कह रहे हो कि वाई इट्स 50% आपका एटम वाइड आपको पाए गए एटम वाई। तो ये आपका एटम वाइड कितने हैं? एन है ना, इसका 50% क्या हो जाएगा? वाई। तो वाई क्या हो जाएगा? एन का 50%, तो क्या हो गया? एन बटे दो। तो एक्स की संख्या कितना बेटा? एक्स की संख्या एन, वाई की संख्या एन बाई टू। अब ध्यान देना, हमें एन को हटाना, जो ऊपर अननोन वैल्यू होगी उसको हटाना पड़ेगा और नीचे जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा? नहीं, दो से मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे एन से मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखे? x n y n by 2 ध्यान दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो जब n से मल्टीप्लाई किए तो n कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 कैंसिल, बचा कितना? y। इसी से इसको मल्टीप्लाई किए n से n कैंसिल, तो यहां पर कितना आ गया? यहाँ पर हम आपको तीन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? और लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे हैं, बस केवल पोजीशन बता रहे हैं। एक्स HCP में जेड 25% टेट्रा एटम है, एक हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया।
तरे ओ मतलब आप सीसीपी में ए 50% टेट्रा हेप्टन और बी 50% ऑक्टा हेप्टन। यहाँ पर ध्यान दो, पहले समझ लो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने ओ की संख्या क्या मान लिया एन, यहाँ पर दोनों मतलब दो आइटम हैं, तो टेट्रा हेप्टन कितना हो जाएगा 2n, ऑक्टा हेप्टन कितना हो जाएगा n, तो टेट्राहेड्रल का भी 50%, ऑक्टाहेड्रल का भी 50%, ठीक है, वही दो बार कर देना है, दो एटम लिखेंगे। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, ओ को लास्ट में लिखेंगे, ओ मतलब ऑक्साइड आयन नेगेटिव होता है, इसमें डालें ये डालो मेटैलिक आयन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था होमवर्क का, मेटैलिक आयन सॉरी ऑक्साइड आयन सीसीपी मेटैलिक आयन इन 2/3 आपका हेप्टन वाला बनाइए बन जाएगा तो ठीक है, बाकी कठिन तो मैं नहीं लग रहा है, बना पाएंगे ना? यस सर। प्रॉमिस है? यस सर। चलो ठीक, आगे फिर कब भेजा आपका दोस्त ठीक होता आगे पढ़ने।